हमारे पास एक स्टूडेंट है 27 जून की बैच के। अपना नाम बताओ। साबिर शेख। काबिर शेख, कहाँ से हैं? साबिर शेख। अच्छा, सोलापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप आज का जो क्लास चल रहा है आपका, कितना दिन हुआ है? दूसरा दिन है सर। ये दूसरा दिन चल रहा है, तो आप दूसरे दिन में मतलब इसके पहले जो क्या काम करते थे ये बता सकते हैं? आईसी लेवल का तो काम नहीं करता था, सिर्फ कनेक्टर डिस्प्ले। अच्छा, ये बेसिक वगैरह काम करते थे दुकान में, लेकिन आईसी का कभी काम नहीं किया। तो आज दो दिन के अंदर आपने क्या क्या सीखा, जरा आपका एक्सपीरियंस बताओ जरा। दो दिन में आपने यहाँ क्या क्या मिल गया आपको? सर देखिए, मैंने अभी जो सर सागर सर दिए मुझे लाइव ऑन मदरबोर्ड पे, मैंने ना सीपीयू निकाल के वापस लगाया, वापस ऑन किया। मतलब अभी पहले दिन में आपको पहले छोटे आईसी रिवॉल्व किए, आपने पूरे डन किए, रिवॉल्व करके लगा के ऑन करवाए पावर आईसी, और उसके बाद एमएमसी आईसी सारा जो अब लगा है आज का। हाँ, तो आज आपने जो सीपीयू निकाल के वन अटेम्प्ट में किए? वन अटेम्प्ट किया सर। कल तो आप प्रैक्टिस किए, तीन चार बार लगाने में हुआ, लेकिन आज जो सेकेंड डे में आप जो कॉन्फिडेंस आया रिवॉल्व करने का, तो आज वन अटेम्प्ट में हुआ। तो आज आपने सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया, तो अभी ऑन फोन में किए देखा, जरा बताओ जरा ऑन, ये ऑन हुआ नहीं हुआ जरा बताइए कनेक्ट करके। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी पावर की जैसे दबाएंगे तो यहाँ बताओ डीसी पे क्या रीडिंग आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे रीडिंग ऑन हो रहा है, और यहाँ पे एमआई का लोगो देखेंगे हम, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो एमआई का लोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है, वेल डन। तो पूरा ऑन हो रहा है, और यहाँ देखो यहाँ पे रीडिंग भी हमारे पास रनिंग हो रही है। तो साबिर आप बताइए, अभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब क्या दो दिन में आपने इतना कुछ, 20 दिन का जो क्लास है, अभी दो दिन में आपने जो नहीं समझ रहे थे कि जो नहीं आ सकता था पहले, आप आने से पहले ये सोच रहे थे कि ये हम बहुत हार्ड जाएगा करना, तो आप दो दिन में ही काम कर लिए, सीपीयू वगैरह रिवॉल्व डन कर दिए, ठीक है। कैसा है कि मोबाइल के आईसी लेवल तक तो डरते थे, इतना कि मोबाइल डेडी हो जाता था। हाँ, उसके लिए हाथ भी नहीं लगाते थे वो कस्टमर, पहले डर लगता था आईसीयू में हाथ डालना, है ना। दो दिन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि चालू मदरबोर्ड पे अभी कोई भी एमएमसी, अगर कोई भी मैं सीपीयू दे दूँ तो आप वन टाइम में रिवॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, कोई भी सीपीयू उठा के दे दूँ, जैसा कि कोई भी मॉडल का एक दे दूँ निकाल के, तो आप कर सकते हो? अभी कॉन्फिडेंस आ गया रिवॉल्व करने का। तो अभी जो बताने का तरीका यहाँ पे हमारा जो तरीका है सागर सर का बताने का, तो कैसा लगता है आपको? बहुत बेस्ट है सर, इनकी जो ट्रिक्स और ट्रिक्स जो है ना, ऐसे हाँ। बढ़िया है ना, क्या है? नहीं सीखे वाला प्रेशर भी इसमें ना दो दिन में हो जाता है। आप भी तो उसमें ही हो, प्रेशर हो ना अभी। आपने तो खाली काम करते थे, बेसिक काम करते थे, डिस्प्ले चार्जिंग कनेक्टर वगैरह करते थे, तो आप भी तो ये काम के लिए फ्रेशर ही हो जो आप यहाँ। हम ये काम तो नहीं सिखाते भैया, चार्जिंग कनेक्टर लगाना, ये तो कोई बच्चों वाला काम तो नहीं सिखाते हैं। आज दूसरा दिन है सर, सीधा ऑन बोर्ड दिया। हम डायरेक्ट बोर्ड के अंदर काम कैसे करते, पीसीबी के अंदर कैसे काम करते, ये सिखाते। तो ये चीज तो क्या होता है, लोगों को डर रहता है इसके अंदर ही मेन, तो चार्जिंग लगाने जैक लगाने में किसी को डर रहता है, डेड रिस्क रहता है या किसी का, या फोल्डर लगाने में डर लगता है किसी को? बट डर किस में रहता है बंदे को? आईसी में, बोर्ड के अंदर अगर कुछ जरा सा भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पानी आ जाए या कुछ हुआ, ड्रॉप डाउन केसेस, ऐसे फोनों में बनाने में डर लगता है ना, वापस कस्टमर को रिटर्न देना पड़ता है। लेकिन अभी कॉन्फिडेंस आपका दो दिन में ही है, सोचो 20 दिन में आपका क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी आज जो आ गया ना, ये जो इंस्टीट्यूट मिला ना मुझे, ऐसा इंस्टीट्यूट तो मैंने सुना कभी ना देखा नहीं। तो अभी आप पूरा 20 दिन के बाद देखो आपका क्या रिजल्ट आएगा, आपको खुद मालूम पड़ा। दो दिन में आप इतना सेटिस्फाइड है, इतना लग रहा है कि दो दिन में बहुत कुछ कर लिया है, सीख गया, जैसा लग गया आईसी निकालना, रिवॉल्व करना, सीपीयू निकालना, और लगाना भी आपको आ गया वन अटेम्प्ट में। तो आगे का ब्लैक पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल डिकर, ये भी आपको ऐसे ही इजी लगेगा आगे का। जो सागर सर का जो ट्रिक है बताने का, ये ऐसे जैसा भी ये बता दिए ना, सेम ऐसे ही आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है। और फिरोज सर का बताओ जरा थ्योरी के बारे में, क्या बताते हैं? समझाने का तरीका है ना सर, बहुत बढ़िया है। डेली कितना थ्योरी क्लास आपका, डेली कितना क्लास चलता जरा बताओ, सुबह से लेकर शाम तक का कैसा रूटीन, क्या है हमारा रूटीन? देखो सर, सुबह 10 बजे से जो क्लास शुरू हुआ, हाँ, दो बजे तक तो चलता है क्लास, दो बजे तक हमारा फेरो सर का क्लास चलता है, जो कि थ्योरी पढ़ाते हैं, कंपोनेंट के बारे में नॉलेज देते हैं ना, इतना डीप नॉलेज देते हैं कि जो भी देख रहा है या सुन रहा है ना, उनको सामने से तो सीख ही लेता है वो। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत हार्ड बताते हैं सर फेरो सर को, कुछ ऐसा लगता नहीं है कि नहीं सीख पाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, बेसिक बताते हैं ना पूरा, मतलब समझ में आता है, पूरा माइंड में आ जाता है। चलो उसके बाद फिर ये हमारा जब सुबह का 2 बजे तक क्लास होता है, उसके बाद फिर लंच होता है हमारा, लंच के बाद जो क्लास कब से कब तक चलता है और कौन लेता है? सागर सर लेते हैं, उसके बाद क्लास, ऐसा नहीं है कि आप टाइम पे चलो, बल्कि जब तक आपका दिल चाहे उतना वर्क कर सकते हैं आप। मतलब 8 बजे का था हमारा क्लासिंग है, टाइमिंग है रात का, लेकिन आपका मन करे तो कल 8:30 बजे भी तो क्लास चला। मैं 9 बजे गया, 9 बजे गया अब यहाँ से, तो आपकी मर्जी के हिसाब से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है हमारा मर्जी के चलो यार 8 बज गए चलो उठा लो पैकअप कर लो निकल जाओ, वही ऐसा तो नहीं बोलते हम। हम लोग कोर्स भी तो आपको भगाते नहीं यहाँ से, टाइम हो गया बोल गया, सीट पर वर्क जितना चल रहा है आपको करने दे, जब तक आपकी मन मर्जी है कि जब तक सर मैं अभी और आधा घंटा बैठना चाहता हूँ, तो हम लोग कुछ तो आपको बोलते नहीं, नहीं सर एक्स्ट्रा काम करो कोई मसला नहीं है, हम लोग एकदम फ्रेंडली रहते हैं, ऐसा तो जोर जबरदस्ती वाला काम तो नहीं है।
या हम लोग जबरदस्ती आपको बोलने लगाते कि कोई अच्छा बताओ हमारे बारे में, ऐसा तो नहीं है। अब अपनी दिल से बोलते हो, पहली बार सीपीयू निकाल के लाइफ फोन में से। अच्छा, हम जबरदस्ती तो बोलने नहीं लगाते ना आपको, ये आपके दिल से बोल रहा हूँ सर। अगर जब दिल से कब निकलता है, जब बंदा को सेटिस्फाइड होता है, अच्छे से खुशी होती है कि सही जगह आ गया बंदा, तब जाके ये बोलना शुरू करता है। नहीं तो भाई मालूम है कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है, खाली मुंह से बोल रहा है लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन मालूम पड़ता है, ठीक है, जो खुशी से बोलता है तो तुम्हारा एक्सप्रेशन से मालूम पड़ रहा है कि आप कितने अंदर से सेटिस्फाइड हो कि ये फोन जब बना के आप चालू कर दिए तो आपके शॉप में ऐसे कितने सारे फोन पड़े होंगे जो सीपीयू से रिलेटेड है। अभी दिल बोल रहा होगा कि वो जाके फोन बनाना है ना। चलो, वेरी गुड, थैंक यू, ओके।